चंद्र सरकार की जय जय। आइएगा चलेंगे कथा प्रसंग की तरफ। भगवान श्री राम अनुज भ्राता लक्ष्मण जी के साथ में वन में विचरण कर रहे हैं, माता सीता की खोज कर रहे हैं। आखिर प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, त्रिलोकी नाथ हैं, लेकिन सब कुछ जानते हैं मेरी सीता कहाँ है, और ये भी जानते हैं जो हकीकत में सीता हैं वो तो पृथ्वी में समाहित हो गई हैं। क्योंकि राम जी ने कहा था, जब तक करहो निशाचर नासा और तब तक करहो अग्नि में वासा, अग्नि में सीता समाहित हैं। लेकिन रावण के पास जो लंका में सीता हैं वो तो माया रूपी हैं, लेकिन फिर भी राम जी रो रहे हैं। आखिर क्यों रो रहे हैं? राम जी संतों की परीक्षा ले रहे हैं। एक बार संतों के मन में ऐसा विचार आया, जिनके घर में अर्धांगिनी होती है उनका जीवन खुशहाल होता है, ग्रस्त जीवन खुशहाल होता है, क्यों ना ऐसा किया जाए, मुझे भी अर्धांगिनी प्राप्त होनी चाहिए। सारे संतों ने मिलकर गोष्ठी की और सत्संग में आना बंद हो गए। नारद जी से जब पूछा तो नारद जी ने कहा, आपकी ऐसी इच्छा है तो पत्थर की शिलाओं को कटवाइए, और कटवाने के बाद किसी दिन राम जी को बुला लेना, और वो राम जी आकर चरण
स्पर्श करा देंगे तो वो आपकी बधुएं बन जाएंगी। आज ऐसा ही संतों ने किया, पत्थरों की शिलाएं कटवाने लगे। उधर काम चल रहा है, राम जी ने पूछा आखिर संत क्यों नहीं आ रहे हैं। नारद जी ने कहा संतों के मन में एक जागृति हुई है ग्रस्त जीवन जीने की, इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो उधर से घूमते हुए राम जी निकले और बहुत तेजी से रोए, और जैसे ही रोते हुए राम जी को देखा तो संतों ने पूछा आखिर ये प्रभु क्यों रो रहे हैं। नारद जी ने कहा रोते क्या हैं, उनकी पत्नी सीता का हरण हो चुका है, रावण ले गया है। संत बोले पत्नी अगर घर गृहस्थी जीवन जीने के बाद रोना भी पड़ता है, पत्नी जीवन में आ जाए तो रोना भी पड़ता है, ऐसा मैंने नहीं सुना था। नारद जी ने कहा अवश्य रोना पड़ता है। तो आज संतों के मन में विचार आया ऐसा मुझे जीवन नहीं जीना जिससे कि मुझे रोना पड़े, इससे तो अच्छा यही है कि प्रभु के शरणागत रहे। धीरे धीरे राम जी आगे बढ़े, रास्ते में जटायु मिले, जटायु जी का उद्धार किया। राम जी ने हाथ फेरा और कहा अगर आप चाहें तो मैं तुम्हें जीवित कर सकता हूं, लेकिन जटायु ने कहा नहीं मुझे जीवित रह के क्या करना है। राम जी ने जटायु जी को दर्शन दिए, जटायु ने कहा आप कुछ भी सही लेकिन मैंने आपको गोद में लिया है, गोद ले लिया है बचपन में, जब तक आपका जन्म ही नहीं संसार में हुआ था तब से ही मैंने आपको गोद लिया है। तो आज पिताजी कहकर राम जी ने जटायु को पुकारा है और अंतिम संस्कार किया। और आगे जब राम जी चले तो राम जी को रास्ते में कबंध नाम का एक राक्षस मिला जिसका सर नहीं है। वो संसार में किसी को रहने नहीं चाहता है, कोई भी रहे, और खास करके ब्राह्मणों को चाहता है कि नष्ट कर दो। तो राम जी ने वहां उपदेश दिए और कहा गंधर्व ये आपकी सोच है, ब्राह्मण पूजनीय होता है, और क्या उपदेश दिए, पूजिय विप्र सकल गुण हीना, पूजिय को विप्र सकल गुण तो हमेशा पूजनीय होता है, और जो ब्राह्मण की निंदा करता है मुझे अच्छा नहीं लगता। तो किसी संत ने राम जी से प्रश्न किया, राम जी से पूछा है प्रभु आप त्रिलोकी नाथ हैं, आपने संसार को बनाया है, आखिर ब्राह्मण ही क्यों पूजनीय है, शूद्र क्यों नहीं पूजनीय है। राम जी ने कहा ऐसा इसलिए है जब मैंने यहां इस संसार में रचना की और जो जैसे आया जिसने जैसा कार्य पकड़ा उसका वैसे ही नाम रखा गया। लेकिन संत ने कहा ये सब बातें आपकी ठीक हैं, लेकिन ऐसी निंदा शूद्रों की क्यों होती है, वहां सारे
बहुत सारे संत थे। एक संत ने कहा, नहीं, हमारे यहाँ की ऐसी संस्कृति है, हमारे यहाँ चरणों में स्पर्श किया जाता है। समाज में तो चार वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, लेकिन हमारे शरीर में भी तो चार वर्ण हैं। संत जी ने पूछा, आखिर वो चार वर्ण शरीर में कैसे हैं, मुझे भी बताओ। राम जी सुन रहे हैं और आपस में संत बातें कर रहे हैं, तो एक संत ने कहा, ये जो मस्तिष्क है, इसमें ब्रह्म का निवास है, इसमें वो सारी बातें आती हैं जो संसार में मुझे जीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और हाथ क्षत्रिय हैं, चाहो तो किसी में लाठी मारो, किसी को दान दो, किसी के चरण स्पर्श करो। और पेट बताया है, उधर वैश्य गुप्त है, जिसे गुप्ता कहते हैं, जिसमें अंदर ही अंदर सारा काम चलता रहता है, जिससे कि हम तीनों को शक्ति मिलती है। और पैर शूद्र बताए हैं, जब बताया पैर शूद्र हैं, तो भैया बिना पैरों के कौन चल सकता है? जब पैर ही नहीं होंगे तो ये मस्तिष्क क्या करेगा, ये हाथ क्या करेंगे, ये उधर क्या कर सकता है? इन तीनों को चलाने वाला शूद्र ही है। और जो हीन भावना से लोग देखते हैं, कहते हैं कि शूद्र, एक बात बताइए, ये मेरा भाव है। जब कश्यप ऋषि के एक महाराज हुए, कश्यप ऋषि, उनकी दो पत्नियां थी, दिति और अदिति। दिति के दैत्य पैदा हुए, अदिति के देवता पैदा हुए। संसार में केवल मानव जाति का अवतरण हुआ, और जब संसार में आए, नर और नारी के रूप में भगवान ने उत्पन्न किया, फिर यह जाति कहां से आई? और जो मां के उदर से पैदा होता है, वो तो शूद्र ही होता है। जो भग से पैदा हुआ है, वो शूद्र है। जो प्रगट होता है, वही ब्रह्म है। लेकिन ये द्वेष भावना ऐसी फैला रखी है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, ये शूद्र है। लेकिन भगवान ने यह भी दिखाया, जब वहां से निकलकर भगवान श्री राम चले, तो भगवान श्री राम माता सबरी के आश्रम पर पहुंचे। सबरी के जब आश्रम पर पहुंचे, तो राम जी ने माता सबरी को मां कहकर बुलाया। ताहे देखत राम उदारा, सबरी के आश्रम पग उधारा। राम जी जब सबरी मां के आश्रम पर पहुंचे, कहा, मां, कहे रघुपते सोने भामिनि बाता, कहे रघुपते सोने भामिनि माता, कहे रघुपते सोने भगत कर नाता, माना हो एक भगत कर माता, माना हो एक भगत कर
मैं केवल भक्त को ही अपना मानता हूँ, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, बनिया हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। जिसके अंदर मेरा, जिसके हृदय में निवास है, जो स्मरण करता है, जो मुझे जानता है, उसे ही मैं जानता हूँ, अन्यथा मैं किसी को नहीं जानता। सबरी माँ भीलो की पुत्री थी, लेकिन राम जी ने यह जताया है कि मुझे जाति से कोई लेना देना नहीं। मानव एक जाति है, संसार में जो भी जीव आया है उसके अंदर कड़कड़ में निवास परमात्मा करने वाला है। हृदय रूपी आत्मा, परमात्मा रूपी आत्मा निवास करती है, तो भला हम लोग अपने आपस में क्यों द्वेष भावना फैला रहे हैं? न कोई शूद्र है, न कोई क्षत्रिय है, न कोई ब्राह्मण है। अभी तक ब्राह्मण की उत्पत्ति नहीं हुई है। एक युग में एक ही ब्राह्मण हुआ है, अभी कलयुग में ब्राह्मण की उत्पत्ति नहीं है। पंडित तो सब हैं, लेकिन ब्राह्मण नहीं है। जिस वक्त ब्राह्मण की उत्पत्ति होगी, ये कलयुग नष्ट हो जाएगा। आइए चलेंगे प्रभु का भजन। हर घड़ी याद तेरी आई सौतन बन के, हर घड़ी याद तेरी आई सौतन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जगन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जगन बन के, हर घड़ी याद तेरी आई सौतन बन के, हर घड़ी याद तेरी आई सौतन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जगन बन के, मैं फिरूं तेरे नाम की जोगन बन के, हर घड़ी
रे।